वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि वो सियासी बयानबाजी छोड़कर नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने के लिए गारंटी का बंदोबस्त करे। शरीफ खानदान के अंदर मुस्लिम लीग नून की क्यादत के लिए जंग जारी है। उनका कहना था कि नवाज शरीफ को गारंटी के बगैर बैरून मुल्क जाने की इजाजत देना एक मिसाल बन जाएगी। हुकूमत की जहाँ तक पॉलिसी है जो कल कैबिनेट ने दी है वो बड़ी वाजे है। हम प्राय जो नवाज शरीफ साहब हैं उनको इलाज के लिए बाहर भेजने पर तैयार हैं। नवाज शरीफ साहब को अपना अरेंजमेंट करना है पीएमएलएन को, उनकी फैमिली को, कि ये गारंटी हुकूमत को और अदालतों को करें और इदारों को करें कि जब उनको वापस चाहिए होंगे उस वक्त वो वापस तशरीफ लाएंगे। अब नून लीग में एक लड़ाई जारी है नून लीग की लीडरशिप लेने के लिए। शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, ये सारे लोग एक दौड़ में हैं कि हम जाके नवाज शरीफ की कुर्सी संभाल लें किसी तरीके से। मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि आप नवाज शरीफ साहब की सेहत के ऊपर इस वक्त सियासत ना करें। आज नवाज शरीफ साहब को आप बगैर किसी शर्त के बाहर जाने देंगे, कल जरदारी साहब भी कहेंगे कि मुझे भी बगैर शर्त के बाहर जाने दें, फिर खुर्शीद शाह साहब भी कहेंगे कि मुझे बगैर किसी शर्त के बाहर जाने दें। जब आप एक प्रेसिडेंट क्रिएट करेंगे तो वो फिर सबके ऊपर अप्लाई होगा ना, ये तो नहीं हो सकता कि सिर्फ नवाज। तो सवाल ये है कि आप क्या सबको फिर हम पाकिस्तान से बाहर भेज देंगे और पाकिस्तान के लोग क्या हाथ मलते रह जाएंगे।